अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास। मैं हूं अली। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज काफ़ी दिनों के बाद हम रिएक्शन करने जा रहे हैं और कुछ निजी मसरूफियत की वजह से हम रिएक्शन नहीं कर पाए, उसके लिए माजरत। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, हीरो पंती 2। और स्टार कास्ट जो है वो आप यकीनन जानकर हैरान होंगे और इम्प्रेस भी होंगे। उसकी वजह ये है कि टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं जनाब इस फिल्म में, तारा सुतारिया, नवाजुद्दीन, साजिद नदियादवाला, अहमद खान। 29 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और बहुत ज़्यादा बेसब्री का आलम है इंडिया और पाकिस्तान में। इसकी वजह ये है कि टाइगर श्रॉफ की आपको पता है बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग और साल में एक दो तीन फिल्में आती हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या बात है। नहीं, तो वो तो नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, सिर्फ वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। अच्छा, चलो यार, ये तो फिर ज़्यादा साइड पे आया हुआ हो गया। बेस्ट बेस्ट धमाका करेगी ये, देखते हैं जी। 1 2 3 एंड स्टार्ट। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम है लैला। मुझे मार दो कि तू जादू कौन दिखाएगा। जादू जादू है जादू। अगर लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है तो बबलू उस जादूगर का मंत्र। आई वॉन्ट बबलू राणावत। बबलू को ढूंढ के लाओ। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। हमारे बीच लव हो सकता था, सेक्स भी हो सकता था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया क्योंकि तुम भाग गए ना। Hold down your pants. जब मैंने कहा था तो पाकीज़ा बन रहा था और जब इसने कहा तो सीधा डर्टी पिक्चर। बहुत हो गए तेरी हीरोपंती। पहले भी बोला था सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। ओके जी, 29 अप्रैल को धमाका होगा, बहुत जबरदस्त यार, एटम बम जो है वो
तरह की फिल्म है, और जितनी भी फिल्में की हैं अभी तक टाइगर श्रॉफ ने, ज़्यादातर उन्होंने फाइटिंग ही उनकी ज़्यादा। आपको पता है इनकी पहली जो मूवी है हीरो पंती, वो भी सुपर हिट हुई है, और ये उससे भी बढ़कर है। ये जाहिर है उन्होंने कुछ इतने चेंजिंग करनी थी, उसका लेवल जो है उससे ज़्यादा रखना था तो नज़र आ रहा है कि उससे ज़्यादा ही लेवल है यार, बहुत अमेजिंग। और मतलब फिल्में काफ़ी बढ़ती हैं फाइटिंग वाली, लेकिन सर इसका कुछ लेवल ऊपर ही। यार आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग देखी है, और फनी जिसको कहते हैं ना कि लैला बना हुआ है ना, लैला बना हुआ है। और जिस तरह एक यह फिल्म थी, अब देखो फिल्म का नाम याद नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो मतलब जिस तरह होता विलन है लेकिन फनी था, जिस तरह वो होता ना यार वो करते हैं गुलशन ग्रोवर, ठीक है पता है वो भी फनी होते हैं, मतलब विलन है फिल्म में लेकिन जो उनका अंदाज होता है वो सड़क मूवी में भी इसी तरह का करता है, जो विलन जो होते हैं वो इसी तरह बिल्कुल ऐसे। और बहरहाल एक्टिंग की बात करें और कमाल है यार, रोमांस भी इसमें डाला है और सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, ठीक है। फाइटिंग सीक्वेंस कुछ बढ़ गई है, ठीक है, और जिस तरह के उन्होंने मतलब सीन्स लिए हैं, कुछ ट्रेन्स के सीन लिए हैं, कुछ वो कार के साथ चिमट जाना वो बड़ा अमेजिंग था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए फिल्म के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।